बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से मिलने देवरिया जिला कारागार में अतीक की पत्नी, बहन और बेटा पहुंचे। परिवार ने अतीक से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अतीक की पत्नी ने मोहित के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी और नेता मिलकर उनके पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी से मिलकर मामले की जाँच कराने की बात कही है। ये 26 को हुआ है, ये जैसा कि मोहित साहब कह रहे हैं कि 26 को मेरे साथ यहाँ पे घटना हुई, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 26 वो तो इससे पहले हम तो मोहित साहब को आज 4-6 साल से जान रहे हैं। वो तो मेरे घर आता था, सांसद जी से भी उधर जो कुछ करना जानता था, और कितनी बार तो वो पैसा हमसे खुद ले गया है। हेलो, मेरे पास हमसे पैसा ले गया है, हम चलते चलते भी बात करते हैं। आगे चलते बेटा कहते थे, सिर्फ उसने 26 को जो है वो यहाँ आया, 26 को मोहित साहब यहाँ आए, जबकि 2 साल से देवरिया जेल में सांसद जी हैं। वो एक बार नहीं, 26 को नहीं, इससे पहले 4-6 बार आ चुके हैं मिलने, और जैसा कि कह रहे हैं कि 26 को जो है वो आए और मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई, तो 27 को या 26 को क्यों नहीं FIR हुई, क्यों 28 को ही की जा रही है, ये सोची समझी चाल है। क्या इसके पीछे क्या वजह लग रहा है? और 27 को आप अकाउंट चेक करा लीजिए, 26 को वो मिलने आए, और जिसको गुर्गे कह रहे हैं कि मेरा फॉर्म जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हीं गुर्गों के अकाउंट से मोहित जायसवाल साहब के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, कि इसको साजिश रचा हुआ है कि इसके करने से अधिकारी तो सामने नहीं आएंगे, वो सिर्फ पैसा हड़पने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनसे कोई बात नहीं हुई, बस यही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसकी सारी जांच कराएंगे। जी।